कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई। पूर्वांचल के सभी जिलों में दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। वाराणसी के जिला महिला अस्पताल कबीर चौरा में भी टीकाकरण किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण किया गया, जिसमें कई लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में वर्चुअल तरीके से संवाद भी किया। इसमें उन्होंने पंडित दीनदयाल अस्पताल के CMS डॉक्टर वी शुक्ला से बात की और पहले चरण में उनकी तरफ से लगाए गए कोरोना वैक्सीन से क्या प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी दी। टीकाकरण हमारे यहाँ बड़े उत्साह से लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के उन लोगों से आज वार्तालाप किए हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन दे चुका है स्वास्थ्यकर्मियों से, और इससे इस टीकाकरण के अभियान में और तेजी आएगी। लोगों के मन में व्याप्त भ्रांतियाँ दूर होंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग लगवाते जा रहे हैं और वो सुरक्षित।